वेलकम ग्रेड वन, टेक योर मैथ बुक एंड ओपन द पेज नंबर 40। जी हम लोगों ने 40 से पहले वाले सभी पेज सॉल्व कर लिए हैं। 40 आप लोगों ने अभी ये खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम पहले कर सकते हैं। ये तो जस्ट काउंटिंग है, ये जीरो की लाइन, ये वन की, ये टेन की, ये टू की, ये थ्री की, फोर की, फाइव की, सिक्स की, सेवन की, एट की, नाइन की, और ये वन टेन की। तो टेन में सिर्फ 100 ही एक वन टेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन था राइट द मिसिंग नंबर। ये वन से लेकर जीरो से लेकर 100 तक काउंटिंग है जस्ट राइट की हुई, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम, ठीक है। ये मिसिंग नंबर है, ये इन्होंने मिस कर दिए हैं, ठीक है। ये दे दिए और इन ब्लॉक्स में हमने राइट करना है। जैसे 76 है, 76 76, तो इसको हम जोड़ के यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने फिगर्स में राइट कर दिया, जोड़ नंबर्स में, और यहाँ पे इसको हम ऐसे वर्ड्स में राइट करेंगे, ठीक है। ट्वेंटी फोर, तो ये क्या होगा, 77 लिख के अगर टी वाई टी 76, ठीक है। ऐसे ही 89 के स्पेल लिख देंगे। यहाँ पे 100 100, जीरो में हैंड कर तो 100 का 100, यहाँ पे 100 के स्पेल, यहाँ पे 37 37, यहाँ पे 37 के स्पेल आप राइट कर लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट पेज देखें। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंपेयरिंग द नंबर अप टू 100, ठीक है। ये वाले जो नंबर नंबर वाले ये जो, ठीक है, ये सेटिंग थोड़ी कर दें। जी जी ये देखें, कंपेयरिंग नंबर अप टू 100, ठीक है। ये हम लोगों ने देखना है, ये बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ठीक है। और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, ठीक है। बिफोर मतलब कि ये जो जितने भी डिजिट दिए हों, इनसे पहले कौन सा डिजिट आता है, इनसे पहले कौन सा नंबर आता है, ठीक है। व्हाट नंबर कम बिफोर 69, सिक्स ऐसे राइट करेंगे, और नाइन से पहले क्या आता है, 8 68। व्हाट नंबर कम बिफोर 80 79। वर्ड नंबर कम बिफोर 36 3 6 से पहले क्या आता है, 5 35। वर्ड नंबर कम बिफोर 28, सो वी राइट है 2 and 7 27। वर्ड नंबर बिफोर 199। वर्ड नंबर बिफोर 76 इज 70 77 इज 76। वर्ड नंबर बिफोर 19 18, ठीक है। नेक्स्ट वन है आफ्टर, बाद में क्या आता है, ठीक है। ये वर्ड कम बिफोर है, और ये अब क्या है, वर्ड कम आफ्टर 2 3 23 के बाद में कौन सा डिजिट आएगा, 2 4 24। वर्ड कम आफ्टर 14 1 5 15, ये तो इजीली बच्चे कर लेते हैं, इसमें थोड़ा मुश्किल आती है। तो उनको बता दें फर्स्ट डिजिट ऐसे राइट करके, अब ये वाले जो डिजिट है इसको देखेंगे तो इससे पहले क्या आता है, मतलब 8 से पहले उनको काउंटिंग बढ़ाए, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन से पहले क्या था, 8, तो ऐसे वो इजीली समझ आएंगे, ठीक है। 1 4 14, व्हाट नंबर आफ्टर 99 90 9, पहला डिजिट वैसे लिखेंगे, 9 से पहले क्या आएगा, 8 98। व्हाट नंबर बिफोर आफ्टर 56 इज 54। व्हाट नंबर बिफोर 49 इज 50 48। व्हाट नंबर आफ्टर 12 इज 13। वर्ड नंबर आफ्टर 87 88। वर्ड नंबर आफ्टर 38 39, ओके। ये बाद में वाले डिजिट हो गए कि बाद में कौन कौन से थे। अब हमने देखने बिटवीन, मिड में कौन सा वर्ड आता है, ठीक है, दरमियान में कौन सा वर्ड। जैसे 65 है, मिड में क्या आएगा, 66 67 65 66 67, 19 20 21 70 72 70 77 के बाद 71, फिर 72, 38 के बाद क्या आएगा, 39, फिर 40, 57 के बाद क्या आएगा, 58, फिर 59, 7 8 9, ठीक है। फर्स्ट वाला डिजिट वैसे राइट करना है, देखिए फर्स्ट वाला डिजिट ऐसे 9 9 8, यहाँ पे 9 और ये 100 हो जाएगी। 46 46 के बाद 4 वैसे लिखें, 6 के बाद 7, फिर ये देखें 8 हो गया, 48 83 84 and 85, ये मिड वाले थे जो स्किप किए हुए थे वो हमने राइट किए। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट नंबर एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट, में से जो बिगेस्ट नंबर है उनको आपने टिक करना है, जो स्मॉलर है उसको आपने सर्कल करना है। ये देखें, ये 33 28 36 में बिगेस्ट कौन सा है, 36, और स्मॉलर कौन सा, 19। नेक्स्ट में देखें इसमें से बिगर कौन सा है, 49,
इसको आप टिक करेंगे, और स्मॉलर कौन सा है 16। नेक्स्ट में देखें बिगर कौन सा है 100 और स्मॉलर क्या है 40। नेक्स्ट में बिगर क्या है हमारे पास 72 और स्मॉलर क्या है 51, बड़े वाला। ठीक है, ये बड़ा है नंबर है सबसे सबसे बड़ा, ठीक है, और ये सबसे छोटा। सबसे छोटे को आपने सर्कल करना है, सबसे बड़े को आपने टिक करना है। ठीक है, 87 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, सो वी सर्कल द 87 एंड टिक द 100 बिकॉज 100 इज़ अ बिगेस्ट नंबर। ओके, नाउ इन एफ पॉइंट व्हाट नंबर इज बिगेस्ट, 71 72 इज अ बिगेस्ट एंड स्मॉलर इज 45। ठीक है, दिस इज अ सॉरी सर्कल द 45, अंडरस्टैंड। यहाँ आपने जो बिगेस्ट था उसको टिक करना था और जो स्मॉलर था उसको आपने सर्कल करना था। ये व्हाट कम बिफोर, व्हाट बी कम आफ्टर एंड व्हाट कम बी बिटवीन एंड व्हाट इज़ बिगेस्ट नंबर एंड व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, ये 41 पेज पे हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 43 पेज नंबर। 43 पेज नंबर से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बिगर और स्मॉलर का है, जिस जो स्मॉलर होता है उसकी ये बैक साइड कर देते हैं, ये क्रोकोडाइल की बैक साइड उसकी तरफ कर देते, तो बिगर जो नंबर होता है उसकी तरफ ये दोनों लेग्स जो ऐसे मुंह उसका ओपन है उसकी तरफ उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, लाइक 6 और ये मैंने राइट किया है, यहाँ पर आ गया 3। तो ये फर्स्ट वाले नंबर को हमने कंपेरिजन करना है कि जो जो 6 है वो 3 से कैपिटल है या स्मॉलर है। तो 6 इज़ अ बिगर दैन, तो 6 की तरफ उसकी लेग्स ओपन कर देंगे और बैक साइड उसकी स्मॉल डिजिट है उसकी साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से सारी ये बहुत इजी है, ये मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट करवाया है, ये बहुत इजी है। आपने बच्चे को बस ये बताना है कि इसमें नंबर ऐसे राइट कर देंगे कौन सा नंबर किससे बड़ा है, बस ये बताना है कि फर्स्ट वाले डिजिट को देख के दूसरे वाले के साथ कंपेरिजन करना है, 0-5 से स्मॉलर देन है या ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन, 100 इज़ अ ग्रेटर देन, 17 इज अ स्मॉलर देन फ्रॉम 18 बिकॉज 18 इज अ बिगर एंड 17 इज स्मॉलर, 20 इज़ अ बिगेस्ट फ्रॉम 0, 12 इज अ स्मॉलेस्ट फ्रॉम 19, 20 इज अ बिगर फ्रॉम 10, 11 इज अ बिगर फ्रॉम 10 बिकॉज 11 ज़्यादा और 10 कम है, 5 ज़्यादा है, देखिए 5 थोड़ी कम है और 15 ज़्यादा है, तो 5 क्या है लेस है और 15 ग्रेटर है, तो 5 इज़ अ स्मॉलर दैन 15, 1 इज़ अ स्मॉलर दैन 12, 15 इज़ अ ग्रेटर दैन 6, 14 इज़ अ ग्रेटर दैन 13, 6 इज़ अ ग्रेटर दैन 4, 9 इज़ अ ग्रेटर दैन 1, अंडरस्टैंड। जो बड़ा होगा उसकी तरफ इसको ऐसे ओपन कर देना है ऐसे, और जो जो इधर कोई भी डिजिट लिखेंगे जैसे 8 है, ठीक है, इसकी बैक साइड पे लिखेंगी मैं 4 राइट करूँ, 8 जो है वो 4 से क्या है ग्रेटर देन है, तो ये देखें मैंने उसकी तरफ उसको ओपन कर दिया है क्रोकोडाइल के फेस को, और बैक साइड पे ये 4 छोटा है तो उसकी साइड उसकी बैक साइड आ गई। ठीक है, फेस उधर ओपन खा जाएगा, बड़े को खा जाएगा, छोटा उसकी बैक साइड पे चला जाएगा। ठीक है, 43 भी हो गया, सेम ये वैसे ही है। ठीक है, 18 इज डैश देन 17 लेस देन है, यहाँ पे आपने लेस देन या ग्रेटर देन राइट करना है, तो 18 इज़ अ ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ये हमने पहले भी कंसेप्ट किया हुआ है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर ये आप लोगों ने खुद से बच्चे को सॉल्व करवाना है घर में, ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। ठीक है, सेम ये वाला भी वही कंसेप्ट है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन की ही एक्सरसाइज है। 11 बस इसमें थोड़ा सा इक्वल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे 11 इधर भी 11 इधर भी, तो 11 को 11 से कंपेरिजन करूँगा, 11 इज़ अ इक्वल देन 11। ठीक है, तो इक्वल का निशान हम यहाँ पे राइट कर देंगे, अंडरस्टैंड। तो ये दिस इज़ आल्सो बिगर देन एंड स्मॉलर देन कॉन्सेप्ट, ये भी इजी है, सेम वैसा ही है, ये एक तरह की सारी प्रैक्टिस ही है पेज नंबर 46 तक। ठीक है, अब 47 में देखें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम लोगों ने पहले मैंने आपको पीछे भी इसका कॉन्सेप्ट करवा दिया है। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। ठीक है, जिस लाइक अ स्टेयर, ये स्टेयर है, ठीक है, यहाँ से ऊपर चढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ने को क्या कहेंगे असेंडिंग। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से नीचे आने को कहेंगे डिसेंडिंग। ठीक हो गया,
अब असेंडिंग ऑर्डर में आपने नॉर्मल जैसे काउंटिंग लिखते हैं ना, जीरो से वन तक, क्यूब मेक करते हैं क्लास में, जीरो सबसे छोटा बच्चा पहले, उसे आगे से बड़ा, फिर आगे फिर उससे बड़ा, फिर उसे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें से हमने सबसे पहले देख लेना कि स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढ लेना वो कौन सा है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट देखे 70, उसको सर्कल कर लो। 37 इज़ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 37, सॉरी 33 एंड बिगर इज़ अ 450। तो हम 33 से 50 तक यहाँ पे एंड पे लिख लो 50 सबसे बड़ा। 33 के बाद आएगा 37, 37 के बाद आएगा 41 क्योंकि उससे बड़ा है, और सॉरी 40, 40 के बाद आएगा 41 एंड लास्ट पे आएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट में देखें सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 18, 28, 28 सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे, और सबसे जो बिगर है वो क्या है, 62 है। तो 28 से बड़ा क्या है, 30, 38 से बड़ा 41, 41 से बड़ा 54, और लास्ट वन है 62 सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 37, 37 फर्स्ट पे आ जाएगा, और उससे बड़ा क्या है, 40, उससे बड़ा क्या है, 89, उससे बड़ा 95, और सबसे बड़ा क्या है, 100। सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे एंड पे सबसे बड़ा, ठीक है। तो डिसेंडिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये स्टेयर है, वो अब ऊपर चढ़ गए हैं तो असेंडिंग है, ऊपर से नीचे को आपने आना है, दोबारा नीचे आना है तो डिसेंडिंग है, ठीक है। क्लास में छोटे से बड़े की तरफ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े की तरफ जब क्यू में करते हैं वो असेंडिंग होती है, जब हम बड़े से बैक साइड इधर को फिर फ्रंट वाली साइड पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे सबसे जो बड़ा था वो सबसे लास्ट पे था, तो डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा था वो सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे सब बड़े जो है उनको पहले हम काउंट कर लें और जो छोटे हैं उनको, जैसे बैक काउंटिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, जैसे असेंडिंग तो मीन के 0 से 10 तक हमने काउंटिंग रखती, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 तक हमने कर दी। और डिसेंडिंग मीन ये बैक काउंटिंग लिख देना, पहले 10 लिख देना, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर ये, तो बैक हो जाना, उस चीज़ की बक्स है, बिल्कुल इसके उलट है, ठीक है। ये देखें इसमें से आप ढूंढें, इसमें से सबसे सबसे पहले हमने सबसे बड़ा राइट करना है, सबसे बड़ा क्या है, 69, उससे छोटा 58, उससे छोटा 47, उससे छोटा 44, उससे छोटा 53। तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे हमारे पास 43 है, तो 43 लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे बड़ा सबसे पहले यहाँ पे था, इसका मतलब है बड़े छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा से थोड़े की तरफ जाना, योर असेंडिंग है थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाना, ठीक है। तो जैसे कोई हम कारोबार करते हैं तो वो पहले स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है, ज़्यादा फैल जाता है 2-3 साल बाद, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। जैसे आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस चला हुआ था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया, पहले आपका मुनाफा कम 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 होते, ये डिसेंडिंग है, मतलब नीचे को जवाल आते जाना, अरूज पे जाना, किसी भी चीज़ के बॉटम पे जाना असेंडिंग, और उससे दोबारा नीचे को गिरना है डिसेंडिंग, ठीक है। पहाड़ी से जैसे नीचे गिर जाना डिसेंडिंग, ऊपर चढ़ जाना असेंडिंग। बच्चे को ऐसे खड़ा करके ना उसके बहन भाइयों के साथ कंपैरिजन करके देखें, सबसे छोटा भाई सबसे आगे खड़ा करते हैं, उससे बड़ा, उससे छोटी बहन, उससे बड़ा एंड पे सबसे बड़ा भाई, ठीक है। तो ये असेंडिंग हो जाएगा, और डिसेंडिंग उसे बताएं, फिर जो सबसे बड़ा भाई होगा वो पहले आ जाएगा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा जो होगा वो लास्ट पे आ जाएगा। ये बेस्ट एग्जांपल है बच्चों के लिए। इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 100, फिर 99, फिर 670, फिर 69, फिर 63, लास्ट पे 63, सॉरी यहाँ पे 70, ठीक है। तो ये 63 इसमें सबसे छोटा है, तो वो लास्ट पे आ जाएगा ऐसे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, 47, 47 आ जाएगा। उससे बड़ा क्या है हमारे पास, 26, उससे बड़ा, सॉरी उससे छोटा 22, उससे छोटा 18, और सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 70। सबसे छोटा 17, और सबसे जो बड़ा है वो बिगेस्ट है वो हमारे पास 47, ठीक, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो जो है, हमारे पेजेस, असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट कम बिफोर, व्हाट कम आफ्टर, व्हाट कम बिटवीन, और ये ग्रेटर और स्मॉलर, लेस देन और ग्रेटर देन का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये पेज नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 41 to 47, ठीक है। आज हम लोगों ने 41 से 47 तक पेज सॉल्व किए हैं, इसमें से कुछ आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत इजी है, जो चीज़ें हमने पहले कर ली हुई हैं वो आपने खुद करनी है, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लें,
और जो मैंने अभी आपको करवाई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रफ रजिस्टर पर इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है असेंडिंग, और ये स्मॉलर लेस देन और स्मॉलर देन ग्रेटर देन का आपने अच्छे से कंसेप्ट कर लेना, बहुत ईजी है। जबकि 14 को कंपेरिजन करना है 12 के साथ, 14 इज अ ग्रेटर देन फ्रॉम 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही राइड कर देंगे, जहाँ पे लेस देन और स्मॉलर देन राइड करना है तो वो बहुत ईजी है। देखिए 2 इज अ डैश देन 19, 2 जो है वो डैश देन 19 है, तो 19 से वो क्या है लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन के स्पेल लिखते हैं, ठीक है। जो कम होगी उसको लेस देन, जो ज़्यादा उसको ग्रेटर देन राइट करना, अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।